अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहबाज गिल की गिरफ्तारी को 48 घंटों से ज्यादा हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज उनकी गिरफ्तारी को 24 घंटे जब हुए थे तब तक उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन जैसे ही उन्हें ये मालूम हुआ कि तहरीक इंसाफ ने उन्हें ओन करने से इनकार कर दिया है, तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ शहबाज गिल ने ARY TV पर कहा था वो उनकी अपनी राय थी, उनकी जाती राय थी। जब शहबाज गिल को ये बताया गया कि उनकी पार्टी उनको ओन करने को तैयार नहीं है तो शहबाज गिल ने अपना एतराफ़ जुर्म कर लिया है। शहबाज गिल ने अपने इब्तदाई बयान में क्या कुछ बताया है वो पूरी तफसील आप दोस्तों के सामने रखता हूं, और साथ साथ अब इमरान खान के लिए कैसे खतरा बढ़ गया है, वो जो फंदा था वो इमरान खान की तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान अब शिकंजे पे आ सकते हैं, और जराए बताते हैं कि बनीगाला में छापा मारा जा सकता है, यानी पुलिस बनीगाला जा सकती है, इमरान खान से तफ्तीश कर सकती है। साथ साथ पंजाब में बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारियां की जा रही हैं, वो क्या कार्रवाई पंजाब में होने वाली है उसकी भी खबर मैं आप दोस्तों को देता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है दोस्तों उसको दबा दीजिए। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिए। दोस्तों हो ये रहा है कि शहबाज गिल को गिरफ्तार हुए, जेल गए हुए 48 घंटे हो गए हैं। जरा ये बताते हैं कि शुरू के जो 24 घंटे थे उस पे शहबाज गिल साहब को ये उम्मीद थी कि शायद उनकी जो पार्टी है उनके लिए कोई बड़ा धरना देगी, बड़ा कोई जो है वो एहतजाज जो है वो बुलाया किया जाएगा, इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा, जिस थाने में वो कोहसार थाने में इस्लामाबाद में गिरफ्तार हैं उसके इर्द गिर्द पूरी तरीके इंसाफ जमा हो जाएगी और मुतालबा ये किया जाएगा कि शहबाज गिल को रिहा किया जाए। लेकिन शहबाज गिल को मायूसी हुई है। जरा ये बताते हैं कि शुरू के 24 घंटों में शहबाज गिल बहुत पुरउम्मीद थे, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि इमरान खान ने किसी बड़े एहतजाज या किसी बड़ी कॉल से इनकार कर दिया है, वो शहबाज गिल को किसी तरह भी जो है वो उनका दिफा करने को तैयार नहीं है। बाकायदा फवाद चौधरी ने टीवी पर आके कह दिया कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया वो उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था और उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज गिल के बयान के हवाले से जब फवाद चौधरी से पूछा गया कि क्या ये पार्टी की पॉलिसी है, क्या ये पार्टी की पोजीशन है, तो फवाद चौधरी का कहना था कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर कोई पार्टी की पॉलिसी होगी तो वो मैं बयान करूंगा, यानी फवाद चौधरी बयान करेंगे। अब मामला ये है कि शहबाज गिल साहब को 48 घंटे गुजर चुके हैं। जरा ये बताते हैं, पुलिस जरा ये बताते हैं, पिछले 48 घंटों में शहबाज गिल की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए किसी ने उनसे राबता नहीं किया है, ना ही शहबाज गिल के घर वालों ने पुलिस से राबता किया है, जो इंतजामिया है इस्लामाबाद की उनसे राबता किया है, ना ही किसी तहरीक इंसाफ के रुकन ने रहनुमा ने पुलिस से राबता किया है कि शहबाज गिल से उनकी मुलाकात करवाई जाए। क्योंकि जब भी किसी जो सियासी रहनुमा को गिरफ्तार किया जाता है तो दीगर जो सियासी रहनुमा होते हैं उस पार्टी के वो जाते हैं जेल में, उससे मुलाकात करते हैं उस रहनुमा से, बकायदा उसके लिए खाना लेकर जाया जाता है, उसका रहने सहने का बिस्तर का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन ये पहली बार हुआ है, इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की पुलिस है वो खुद हैरान है कि वो शहबाज गिल जो कि इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करता था, वो शहबाज गिल जो आज से एक हफ्ते पहले इमरान खान से मुलाकातों के लिए लोगों को इजाजत दिया करता था, किसी को इमरान खान से मिलना होता था तो वो शहबाज गिल को कॉल करता था, शहबाज गिल उससे इमरान खान की मुलाकातें करवाता था, लेकिन आज मौका ये आ गया है, वक्त ये आ गया है कि शहबाज गिल से कोई मुलाकात करने को तैयार नहीं है, शहबाज गिल की कोई खैरियत दरियाफ्त करने को तैयार नहीं है। पुलिस जरा ये बताते हैं, जब शहबाज गिल को 9 तारीख को गिरफ्तार किया गया, जिस शलवार कमीज पे वो जो है वो उन्होंने पहना हुआ था वही शलवार कमीज उन्होंने पिछले 48 घंटों से पहना हुआ था। बाकायदा पुलिस हुक्काम इसलिए परेशान थे कि कोई रहनुमा तहरीक इंसाफ का उनके लिए कपड़े तक लेकर नहीं आया कि उन्होंने कपड़े तब्दील करने होंगे। पुलिस ने फिर मार्केट से कपड़े खरीदे और जाकर शहबाज गिल साहब को दिए। शहबाज गिल साहब को उनकी हैसियत और उनकी औकात का अंदाजा हो गया है जेल जाके कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान खास तौर पे कितना बड़ा मोहसिन कुश है, कितना बड़ा जो है वो इमरान खान दगाबाज है कि जो उसका साथ देता है, जो उसके साथ एहसान करता है, इमरान खान उसके साथ
एहसान फरामोशी करता है। जरा ये बताते हैं, जब शहबाज गिल साहब को 9 तारीख को हिरासत में लिया गया तो इब्तदाई तौर पे जिनके बारे में उन्होंने बयानात दिए थे, ARY टीवी पर गुफ्तगू की थी, वो शहबाज गिल साहब को अपने साथ लेकर गए। वहां पर शहबाज गिल साहब से तफ्तीश की गई, तहकीक की गई और रात को 2 बजे उन्हें जेल हुकाम के पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस ने फिर उन्हें खाना दिया, पानी पिलाया और उनको अगले दिन जो अदालत थी वहां पर पेश किया गया और 2 दिन का उनका फिर वहां से रिमांड मंजूर किया। अब पुलिस हुकाम जो शहबाज गिल साहब हैं उनसे मजीद तफ्तीश करना चाहते हैं और इस सारे मामले में जो अहम बात है वो ये है कि शहबाज गिल ने अब ये बयान दे दिया है कि जो उन्होंने बात की थी ARY TV पे वो पार्टी की पॉलिसी थी। यानी शहबाज गिल ने कहा है कि जो कुछ उन्होंने कहा था इसके पीछे इमरान खान की मर्जी और मंशा शामिल थी। अब जो उनका मोबाइल फोन है, शहबाज गिल साहब ने जिस मोबाइल फोन से ये सारे मामलात किए थे, ARY TV पर भी पर दिया था, रब्ता किया था, बात की थी, वो मोबाइल फोन गायब है और वो मोबाइल फोन बताया जा रहा है कि जो शख्स जो ड्राइवर उनके साथ था इजार नामी वो लेकर फरार हो चुका है। बकायदा ये जो ड्राइवर है इसके घर पे छापा मारा गया, इसकी गिरफ्तारी के हवाले से ये वहां से फरार हो चुका था। शुरू में इसने ड्रामा करने की कोशिश की थी, बकायदा मैंने एक वीडियो बना के आप दोस्तों को बताया था किस तरह ये जब बनीगाला गया इससे अदाकारी करवाई गई थी और फिर बाद में इसका सारा झूठ बेनकाब हुआ। अब मामला ये है कि इसका ड्राइवर शहबाज गिल का मफरूर हो चुका है, भाग चुका है और जो शहबाज गिल का मोबाइल है वो उसी के पास था। जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया तो शहबाज गिल साहब के पास जो हाथ में मोबाइल था वो एक डमी मोबाइल था, वो एक जाली मोबाइल था और उनका जो असली मोबाइल था जो वो इस्तेमाल करते थे, जिससे वो लोगों के साथ इमरान खान के साथ रابطे में रहते थे, जिससे वो ट्वीट्स करते थे, वो मोबाइल उन्होंने अपने ड्राइवर के हवाले कर दिया था और वो ड्राइवर मोबाइल समेत अब गायब हो गया है। पुलिस उस ड्राइवर और उस मोबाइल को तलाश कर रही है ताकि जो इमरान खान के ताने बाने हैं उससे जोड़े जाएं। और फिर जरा ये बताते हैं कि सारा जो सिरा जाके कुरा जाके मिल रहा है वो इमरान खान और बनीगाला में मिल रहा है और बहुत जल्द जराए बताते हैं कि इमरान खान को तफ्तीश में शामिल किया जा सकता है। इसीलिए इमरान खान साहब बहुत घबराए हुए हैं, इसीलिए इमरान खान साहब की हिकमत अमली यह है कि इस सारे मामले को किसी तरह दबाया जाए, किसी तरह इससे तवज्जो हटाई जाए और शहबाज गिल का जो मामला है उसको नया रुख दिया जाए, नई एंगल दिया जाए। इसीलिए जब शहबाज गिल के ड्राइवर के घर पर छापा मारा गया तो अब ये हवा बनाया जा रहा है, अब ये जो है वो कहानी बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शहबाज गिल की जो ड्राइवर था उसकी जो अहलिया थी उसको जो है वो जदकोप किया गया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उस पर दबाव डाला गया और उसे जो है वो थाने में बंद किया गया। साथ साथ एक मासूम बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ वाले अब औरत कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पता लग गया है कि चारों तरफ से वो घिरे जा चुके हैं, चारों तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है और उनका जो प्रोपेगेंडा था, उनका जो झूठ था, अब वो किसी तौर काम नहीं आ रहा, लिहाजा अब कोशिश ये की जा रही है कि औरत कार्ड इस्तेमाल किया जाए और शहबाज गिल से लाताल्लुकी का इजहार किया जाए, शहबाज गिल को अकेला छोड़ दिया जाए, तन्हा छोड़ दिया जाए और शहबाज गिल जाने, इदारे जाने, कानून जाने, पुलिस जाने, हुकूमत जाने, जो तहरीक इंसाफ है वो उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। अब मामला ये है कि इमरान खान ने आज एक अहम मुलाकात की है, इमरान खान ने पंजाब की हुकूमत को ये डायरेक्शन दे दी है कि जो नून लीग है उसके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की जाए। इसीलिए 25 मई को जो लॉन्ग मार्च हुआ था उसमें जो पुलिस अफसरान ने मदाखलत की थी उसे नाकाम बनाया गया था, तो उन SHOs को बरतरफ किया जा चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। राणा सनाउल्ला के हवाले से इमरान खान की ख्वाहिश है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किए जाए। इसीलिए अब जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, इमरान खान ने 4.25 साल अपनी हुकूमत के दौरान उस पर कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब इमरान खान ने जब परवेज इलाही वजीर आला है तो उस पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया है, बकायदा हुक्म जारी कर दिया है कि पंजाब हुकूमत जो राणा सनाउल्ला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करे और मॉडल टाउन का जो वाकया हुआ था 2014 में उसके जितने भी मुतासरीन हैं उनके हवाले से, उनकी दादरसी के हवाले से अब एक इंतकामी कार्रवाई शुरू की जाए। अगर इन्होंने जो है वो मॉडल टाउन वालों को इंसाफ दिलवाना था तो अपने 4.25 सालों में इंसाफ दिलवा चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इमरान खान अपना जो गुस्सा है वो इंतकाम की आग है, वो जो है वो लोगों पर मुकदमात बनाकर और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करके निकालना चाह रहे हैं, लेकिन
जरा ये बताते हैं कि इस बार भी इमरान खान को मुंह की खानी पड़ेगी, इमरान खान को एक और शिकस्त का सामना होगा। आने वाले दिन शहबाज गिल के बड़े तहलका खेज इंकशाफात है जो मंजरे आम पर आने वाले हैं। बाकायदा जरा बताते हैं कुछ वीडियोज हैं वो मंजरे आम पर आ सकती हैं, शहबाज गिल के एतराफी बयान की वीडियोज मंजरे आम पर आ सकती हैं और वो बता सकते हैं कि किस तरह जो इमरान खान था वो उन्हें इस्तेमाल करता रहा था और इसमें बुशरा बीबी का किरदार भी मंजरे आम पर आएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दोस्तों लाजमी क्लिक कर दीजिए। और अगर फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप दोस्तों के तक भी यह मालूमात पहुंचती रहे, आप दोस्त बाखबर रहें, पल पल की खबर आप दोस्तों के पास रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।